स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के दो टाइप्स हैं, एक है गो बैक टू एन एआरक्यू और दूसरा है आपका सिलेक्टिव रिपीट और सिलेक्टिव रिजेक्ट एआरक्यू। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो विद एआरक्यू गिव एन अपर हैंड टू डील द केसेस लाइक लॉस्ट एक्नोलॉजमेंट, लॉस्ट फ्रेम एंड डैमेज फ्रेम। ये तीनों ही केसेस अगर हम एआरक्यू फीचर ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छे से हैंडल होता है। यहाँ पर हम गो बैक टू एन एआरक्यू देखेंगे कि वो कैसे लॉस्ट फ्रेम का केस हैंडल करता है, हाउ इट विल हैंडल द लॉस्ट फ्रेम केस। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्ट वी मस्ट नो हाउ दिस फ्रेम इज लॉस्ट। ये फ्रेम लॉस्ट क्यों होती है? हम दो तरीके से चैनल को समझते हैं। एक तो चैनल जो होता है बहुत नॉइजी होता है, नॉइजी मतलब उस पर नॉइज प्रेजेंट होती है, और दूसरी चीज कि चैनल बहुत बड़ा होता है। बड़ा इट मीन्स देयर इज ए नेटवर्क, बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स कनेक्ट होते हैं और तब जाके एक बड़ा नेटवर्क बनता है। जब भी एक फ्रेम एक नेटवर्क पे ट्रांसमिट होती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली सेंडर से रिसीवर पे जाए, देयर आर इंटरमीडिएट नोड्स जहाँ से होते हुए वो रिसीवर पर पहुँचती है और फिर वहाँ पर वो एक्यूमुलेट करते हैं कि नंबर फ्रेम नंबर 1, 2, 3, 4 इन सबको कंबाइन करना और फिर एक पर्टिकुलर पैकेट फॉर्म करके नेटवर्क लेयर को देना है। नाउ इफ द लेंथ, जिसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स आते हैं, पाथ अलग अलग हो सकता है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फ्रेम जो है कहाँ पर पहुँचे, रिसीवर पर पहुँचे। सो द प्रोटोकॉल मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल सच सिचुएशन एंड द गो बैक टू एन ए आर क्यू प्रोटोकॉल इज हैविंग सच कैपेबिलिटी टू हैंडल द केस ऑफ लॉस्ट फ्रेम। नाउ इट कैन हैंडल, हाउ इट विल हैंडल, फ्रेम लॉस्ट होने का कारण हमने देख लिया बिकॉज द चैनल इज वेरी लॉन्ग, इट मे बी not possible to track the frame over the channel, so it can be tracked at the receiving end. Now how to track it? First hum dono cheeze dekhte hain, because sliding window ka ye feature hai to hamare paas window hai, hum window maan lete hain ye 4 size ka window hai, and how these frames will be transmitted, so it will be transmitted as per the sequence number. Now the receiver is also expecting द फ्रेम्स इन द सेम मैनर, जैसा विंडो यहाँ पे हमने सेंडिंग एंड पे रखा है वैसा का वैसा ही जो आपका विंडो है वो रिसीविंग एंड पे है, एंड द एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो सेम द सीक्वेंस नंबर। पहले जीरो ट्रांसमिट हो रहा है 1, 2, 3, एंड द रिसीवर विल एक्सपेक्ट 0, 1, 2, 3 एंड देन अगेन 0। अब जब हम मान लेते हैं कि हम फ्रेम सीक्वेंस वाइज भेज रहे हैं, फ्रेम 0 इज ट्रांसमिटेड, फ्रेम 1 इज ट्रांसमिटेड, and frame 2 is also transmitted and received successfully at the receiver, yahan par receiver pe mili hai successfully, so it will indicate 0th frame, 0 aa gayi, then it will indicate 1 and then 0 1 ke baad ye 1 indicate karega, aur yahan par it is requiring the second number of frame, so it will indicate 2. In this manner the whole flow and the sliding of the window is going on. Now once जैसे कि ये तीनों फ्रेम्स ट्रांसमिट हो गई, यहाँ पे जैसे ही फ्रेम नंबर 3 ट्रांसमिट हुई, एंड मान लेते हैं कि ये लॉस्ट, इफ इट इज लॉस्ट सो व्हाट इज द केस, द सेंडर विल फाइंड आउट कि मुझे फ्रेम नंबर जो चाहिए थी वो थी 3, लेकिन आई 4, तो इसे क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। रिसीवर ने इसे डिस्कार्ड कर दिया। अब रिसीवर पे तो हमने देख लिया कि क्या हुआ, फ्रेम नंबर 3 मिलनी थी, मिली 4, उसने डिस्कार्ड कर दिया। पर सेंडर पे क्या हो रहा है, सेंडर पे क्या होता है, जैसे ही हम कोई फ्रेम ट्रांसमिट कर देते हैं तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर फ्रेम के साथ ही साथ एक स्टार्ट हो जाता है जो कि कहलाता है टाइमर, क्योंकि हम टाइमर फंक्शन यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, सो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ तक का तो पूरा केस बिल्कुल क्लियर था, तो इसलिए हम यहाँ का नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही टाइमर ये स्टार्ट हुआ तो थर्ड नंबर वाली फ्रेम पे ये, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि ये लॉस्ट है, तो इसीलिए हम यहाँ वाले केस के लिए देख रहे हैं। वंस इट विल स्टार्ट, जैसे ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे ये फ्रेम नंबर 4 जो है उसका सीक्वेंस नंबर 0 होगा, सो दिस इज F0। ये स्टार्ट होने के बाद, टाइमर फंक्शन स्टार्ट होने के बाद, ये यहाँ पर जितनी भी फ्रेम्स अब हम आगे भेजेंगे वो यहाँ पर डिस्कार्ड होने वाली है, इसका मतलब रिसीवर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इस टाइमर फंक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि द रिसीवर
मस्ट सेंड एन एक्नोलॉजमेंट. सेंडर किसकी वेट कर रहा है? एक एक्नोलॉजमेंट की वेट कर रहा है. इट हैज नॉट गॉट एनी एक्नोलॉजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट नाउ फर्दर. अब फ्रेम को सेंड करना है उसे, तो उसे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक्नोलॉजमेंट चाहिए. क्योंकि उसे एक्नोलॉजमेंट नहीं मिला, सो वॉट डज इट नो? जब इसका टाइमर फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो वॉट डज इट नो? इट नोज कि जो भी मैंने फ्रेम्स भेजी थी उनमें से किसी का भी एक्नोलॉजमेंट नहीं आया है. और यहाँ पर मैं थर्ड नंबर की फ्रेम पे टाइमर स्टार्ट करके देख चुका हूँ, और मेरा विंडो साइज भी ये है 0123. सो वॉट डज इट मीन? इट मीन्स कि नाउ ऑल दीज फ्रेम्स आर अनएक्नोलॉज्ड, एंड अनएक्नोलॉज्ड है. सो इट मीन्स अब मैं फ्रेम जीरो, फ्रेम वन कोई भी भेज रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है. सो द फ्रेम इज लॉस्ट. अगर ये इंफॉर्मेशन इस टाइमर फंक्शन के साथ मिल जाती है, सो वॉट इट विल डू? इट विल रीसेंड द फ्रेम्स. मीनवाइल अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे F0, F1, F2 हम भेज चुके थे और हमें उनका एक्नोलॉजमेंट, पॉजिटिव एक्नोलॉजमेंट, मतलब एक्नोलॉजमेंट 3 मिल चुका था, सो ओनली जो रीसेंड होगी वो फ्रेम होगी F3, देन अगेन F0 एंड F1. और इस बार F3, F0 और F1 क्या होगी? अपने अपने जो भी प्लेसेस हैं उन पे क्या होगी? प्लेस हो जाएंगी इन देयर ऑर्डर, इन देयर सीक्वेंस नंबर. सो वॉट बेसिकली द गो बैक टू एन ARQ इज डूइंग, द गो बैक टू एन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जहां से भी फ्रेम, या तो फ्रेम डैमेज्ड है या तो फ्रेम लॉस्ट, जैसा कि हम केस डिस्कस कर रहे हैं लॉस्ट है, तो हमें उन सारी फ्रेम्स को वहां से भेजना पड़ेगा. यहाँ पर टाइमर फंक्शन की हेल्प से द सेंडर फाइंड्स आउट कि मैंने जो फ्रेम्स भेजी थी उसमें से मुझे कुछ का तो एक्नोलॉजमेंट मिला और बाकी सब जो मैंने भेजी उनका एक्नोलॉजमेंट नहीं मिल रहा है. वॉट डज इट मीन? कि जो फ्रेम थी वो क्या हो गई? लॉस्ट हो गई. एंड दैट्स वाई इट इज नॉट शिफ्टेड इट्स विंडो. अभी विंडो भी शिफ्ट नहीं करेगा और इसको एक्नोलॉजमेंट नहीं मिलेगा जब तक. जब मिलेगा तभी विंडो शिफ्ट करेगा और फिर वो उनको क्या करना है? उसे रीसेंड करना है, रीसेंड करना है. और यहाँ पर गो बैक टू एन ARQ में उनको अपनी पर्टिकुलर प्लेस, किस प्लेस पे रखेगा, उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर में, एंड देन इट विल कंबाइन देम एंड देन मेक अ पैकेट. So this is the way how the go back to NARQ will handle the case of lost frame.